शनिवार को छाता तहसील मुख्यालय पर भारतीय किसान मजदूर संघ और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने दर्जनों किसानों के साथ तहसील मुख्यालय पर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा विगत वर्ष लागू किए गए 3 कृषि कानूनों की प्रतिक्रिया को फाड़ कर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। इस मौके पर आंदोलनकारी किसान नेताओं का कहना था कि जब तक केंद्र सरकार 3 काले कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, तब तक हमारा यह देशव्यापी विरोध और प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिनकी व्यवस्था खुद कोतवाली प्रभारी छाता रवि त्यागी द्वारा संभाली हुई थी। इस मौके पर किसानों के नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन टिकेत के तहसील अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यदुवंशी के नेतृत्व में 3 कृषि बिल की प्रक्रियाओं को फाड़ कर विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान भारतीय किसान मजदूर संघ ब्रज प्रांत के अध्यक्ष दीपक चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने विगत वर्ष लॉकडाउन के दौरान 3 कृषि कानूनों के अध्यादेश के तौर पर लागू कर किसानों के हित पर कठोरताघात किया है। अगर ये तीनों के इस कानून जल्द से वापस नहीं लिए जाते हैं तो पूरे देश का किसान आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकेत के तहसील अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यदुवंशी ने कहा कि केंद्र की तानाशाही सरकार इन काली कृषि कानूनों को लागू करने पर बैठी हुई है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के 1.5 साल के बाद स्थगन आदेश की वजह से यह अभी लंबित चल रही है। जिस देश यह कानून काले नहीं ले जाएगा, उस दिन किसान भुखमरी की कगार पर होगा। भैया है, मैं नौजील ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व हूँ जी, और आज यहाँ हमने ये काले कानून के विरोध में प्रतिलिपि फाड़ी है। और मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक काले कानून वापस ना होंगे, जब तक किसान अपना आंदोलन करते रहेंगे और करते रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर हमारा आंदोलन चला हुआ है और आगे के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने जो समय बढ़ाया है, हम उसका नियम का पालन करेंगे और टिकेट जी के हाथ मजबूत करेंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय जवान, जय जवान। एक जाने आज जो कुछ आपने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन इसके बारे में देखिए, आज के दिन इस केंद्र की सरकार ने, भाजपा सरकार ने ये काला कानून, अंधा कानून किसानों के ऊपर ठोकने का काम किया था। आज को 1 साल पूरा हो गया है। ये कानून संसद में ना बनाकर इस केंद्र की भाजपा सरकार ने एक नई परिपाटी को जन्म दिया है, जो अध्यादेश के रूप में जारी है। अध्यादेश का मतलब होता है कि जब किसी देश पर विपत्ति आई हो, तब अध्यादेश लाया जाता है और राष्ट्रपति सीधे उस पर मोहर लगाते हैं। इस केंद्र की भाजपा सरकार ने ना लोकसभा में ना राज्यसभा में इसमें बहस नहीं कराई इस कानून के ऊपर, ना ही वोटिंग कराई। सीधा सीधा अध्यादेश लाकर किसानों के गले को घोटने का काम किया है। इसमें 36 की 36 बिरादरी, हर वर्ग का किसान या अधिकारी, सब लोग इससे पिसा है। और मैं कहना चाहूंगा, अगर ये कानून लागू हो गया, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1.5 साल का ये होल्ड पे है, जिस दिन ये लागू हो जाएगा, उस दिन हम अपने ही खेत पे हम लोग भिखारी हो जाएंगे। और हम लोग जिस तरीके से बिहार में, वहाँ के बहुत सारे लोग हमारे यहाँ कमाने खाने आते हैं, इस तरीके से देश के हर वर्ग को इतना नुकसान होगा कि इसकी भरपाई होने वाली नहीं है। और आने वाली पीढ़ी हमको इस बात के लिए माफ नहीं करेगी कि हमारे पापा जी जब ये कानून बन रहा था तो आप चुप क्यों बैठे। जय जवान, जय किसान। 70% आबादी देश की कृषि पे लगभग निर्भर करती है, और जहाँ 70% आबादी के आर्थिक हितों का फैसला हो रहा हो, वहाँ गवर्नमेंट को अध्यादेश लाके और ये जो कानून बनाया है, ये पूरी तरह से गलत है। ये किसानों को कॉरपोरेट घरानों का गुलाम बनाने के लिए ये पूरी तरह साजिश है। ये सरकार ने जो पूंजीपति उन्हें जो धन देते हैं चुनाव में, उनके दबाव में ये फैसला लिया गया है। और गंभीर विषय ये है कि 26 जनवरी वाले दिन जो घटना हुई, हमने पिछले हर उसमें अपने आंदोलन में ये बात कही है, वो किसानों के साथ केवल षड्यंत्र रचा गया। अगर वो 26 जनवरी वाली वो घटना नहीं होती तो निश्चित रूप से सरकार बैकफुट पे होती और ये कानून उनको वापस लेना पड़ता। हम पुनः उसकी कहते रहे कि उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए 26 जनवरी वाली घटना की, क्योंकि उस घटना में किसान को आतंकवादी ठहराया गया था, किसान को अलगावादी ठहराया गया था। अगर सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिया तो सरकार ये नहीं समझे कि कहीं उसे मीडिया में या कहीं दबाने का जो बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है, जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। आज देख लीजिए, हम MSP की बात कर रहे हैं, आप छाता में देख लीजिए, कोसी में देख लीजिए, कहीं गेहूं की खरीदारी हो रही है MSP रेट में। अब आंकड़े आएंगे सरकार के 20 दिन बाद, वो आंकड़े आएंगे कि इतने लाख टन गेहूं खरीदा और वो 1975 के रेट पर खरीदा, लेकिन वो केवल और केवल जो एजेंट हैं सरकार के, वो दलाल किसानों के हक को मार रहे हैं। हम कह रहे हैं आप MSP को कानून में लागू करिए, ये हमारी प्रमुख मांग है। केंद्र की जो भाजपा सरकार है